परसेंटेज तो बन लो गए यहाँ पे, यहाँ पे गए हमने यस किया, ये सब नए लिखते गए। ठीक सही बात क्या है सर, इंग्लिश परसेंटेज कम रखनी है तो फर्स्ट जब लॉगिन करेगा पहले वही आएंगे। ओके और ये आपका हिंदी, हाँ इंटर आपको करवाना तो मेरी जान खा लेंगे अभी। सेम चीज हो रही है भाई, कुछ नहीं है वो चीजें खुद तो करनी पड़ेंगी। ओके करूंगा मैं, ऑनलाइन सेशन होगा तभी तक से एक के करूंगा, तो बड़ा मुश्किल है वो। करता बहुत है ये, ज्यादा क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग डिग्री दिल्ली स्टेट दिल्ली होगी। पिन कोड क्या है आपका शुरू स्कूल का? का 1100 यहाँ का तो पता है, मैंने 7 5 2 का चेक। ओके ठीक ठीक है। पतला के कैसे निकाला था? इसपे मत करो अपने, कौन सा स्पेड फोर बेटा ज्योग्राफी। टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे क्लास सीटी 12th के अंदर? हॉस्टल सर 9 वैसे टोटल जो है 48 90 है, टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 60 90 हां कर रहा है ये। ठीक100 का है दूसरा सब्जेक्ट कौन, सेकंड सब्जेक्ट क्या था हमारा? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस 100 में से कितने मार्क्स है? ऑलरेडी चल देखता हूं सर, पॉलिटिकल साइंस में सर 80। तीसरा सब्जेक्ट क्या था हमारा हिस्ट्री? 100 में से कितने आए? सर 75। नेक्स्ट क्या था हमारा इंग्लिश? इंग्लिश स्कोर 100 में से कितने आए? सर 70 तो हो गया ना रिकॉर्डिंग। हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। और क्या था हमारा सही हिंदी? सही हिंदी कोर कितने आए? और सही तो कोई सब्जेक्ट नहीं था और फिजिकल एजुकेशन ना? कितने आए 100 में से? ठीक 66। है, मेन की सारी डिटेल हमने भर लिया से। एकेडमिक डिटेल्स हो गया, ये है सारे चेक कर लो, यही है। ठीक हमेशा होता है कोई एक सब्जेक्ट में ही नहीं होता। नेक्स्ट अच्छा, आपको इंग्लिश राइटिंग हिंदी स्पीकिंग आती है? ठीक है, एनसी सर्टिफिकेट है? नहीं है। में चक्कर खा के गिर गया असली। क्लास 10th की 12th की मार्कशीट आपके पास? क्लास 10th की मार्कशीट है तो अच्छा स्कैन वाली है? टेस्ट स्कैन आपने टेस्ट की हाँ हुई है? नाम सर मेरे पास मैंने डाली भी थी उसमें जनाब है वो? क्रश होता है ठीक है इसको डालना पड़ेगा तो उसको सेंड कर देना और थ्रू को ही। ठीक सर। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे 10th की और 12th की जो भी हमारी मार्कशीट होगी वो हमारी इन फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीईजी
जेपीजी या फिर पीडीएफ में होनी चाहिए, और उनकी जो कहीं ना कहीं साइज है 10 KB और 500 KB के, 10 और 500 KB के बीच में होने चाहिए, ठीक। तो हर्ष की 10th क्लास, आपने 10th की भेजी थी, मैं 12th भेजी थी, वो मैं वाली कौन सी थी? बता दूंगा सर 10th वाली आपको सर पहले बस पहले आपने 12th की भेजी थी कि 10th की भेजी थी? मेरे मैंने को 10th की भेजी थी आपको रिटर्न की थी ना, ट्वेल्थ की भेजी आपने, सर पहले मैंने आपको टेंशन दिया अब ट्वेल्थ की भेजी ना आपने मुझे, ट्वेल्थ की है। सर कंप्लीट साथ कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं, स्टार्ट अपलोड, ठीक है ये आ गया सर, रिव्यू कर लेते हैं। ओके था क्या आपकी डिटेल्स जो आ रही है भरी हुई, जो आपने डिटेल्स भरी थी सारी वो आ गई, अकेडमिक डिटेल्स भी आ गई, मार्क्स आ गए आपके, ये अपलोड हो चुकी है, ठीक है। 10th और 12th की ना वो, जी पे आ गया फॉर्म, ये साइन आपके, अब पे फी, यदि पे फी पे हम क्लिक करेंगे आपके बाद ये देखो, माई नेम हर्ष, डेट ऑफ बर्थ ईयर, कैटेगरी ये, मेल, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस मेरा ये है, आई हैव चेक ऑल द एप्लीकेशन डेट, दिस वन दिस वन दिस वन क्लिक करते हुए पेमेंट गेटवे में जाएंगे। जैसे ही हम पेमेंट गेटवे में जाएंगे यहाँ पे जाके हम पेमेंट कर देंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू, तो मीन्स आपका ये एक पेमेंट हुई थी, एक पेमेंट हो, ठीक है, क्लियर हो गया। इससे आप सीधा, जैसे मान लो हम यूपीआई के थ्रू जाते हैं, हमने कहा क्यूआर कोड, सर करा था हमने क्यूआर कोड पे गए, यहाँ पे जाके हम लोग स्कैन करेंगे, स्कैन करके पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो मीन्स हमारा वो 21 हो गया, सबमिट हो गया, फाइन, इसका हमारा हो गया। नाउ वो था आपका एक कोड, अब आपको बाकी कोड भी फिल करने हैं, तो आपने क्या किया, फिर से वो वेबसाइट पे आ गए, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया, ये आपका ओपन हो गया। जैसे ओपन हुआ तो कहाँ जाओगे आप, होम पे जाओगे, होम पे जाओगे तो इसमें लग रहा है आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भरा था, जो कि अभी इसकी फीस फीस जो है पेड नहीं है, इसलिए नॉट पेड दिखा रहा है, ठीक है, डन है। देन आफ्टरवर्ड हम क्या कर रहे हैं, हम आपके सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, अच्छा इसमें ना जाके हम क्या रखते जाते हैं, यहीं पे सर एक मिनट, हम लोग इससे अप्लाई नाउ तो पे आप ही गए, भर दो सारे अकाउंट डिटेल आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, अप्लाई नाउ पे जाके हम लोग फिर से गए बैचलर बैचलर प्रोग्राम, फिर से प्रोग्राम, अब मुझे कौन सा कोर्स पे भरना है, अब सर मुझे लग रहा है कि मैं लॉ एंड पॉलिटिक्स पे हम लोग भरते हैं, ठीक है, लॉ एंड पॉलिटिक्स पे क्लिक किया, फिर प्रोसीड किया, नेक्स्ट पे हम गए, नेक्स्ट पे गए, सारी डिटेल्स आ रही हैं, हाँ डिटेल सारी वही है, ये फिर से हम नेक्स्ट पे गए, ये डिटेल्स पहले सारी आ चुकी थी, हमने जाकर क्लिक कर दिया, ये हम पहले से भर चुके हैं, हमें फिर से नहीं भरना है, फिर से हम लोग गए सेव नेक्स्ट पे कर दिया, सेव नेक्स्ट पे गए, अब हमारे पास ये सब डिटेल फिर से हमारी लिखी हुई आ गई, तो हम पहले भर चुके हैं, वो सब कुछ आ रहा तो है हम लोग फिर से आ रहे हैं, तो हम फिर से कहाँ गए, नेक्स्ट पे जाके हमने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे जाके क्लिक किया, तो अल्टीमेटली क्या आया, नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट हम कर देंगे, अदर डिटेल्स ये सब पहले से भरी हुई है, सर रिव्यू ठीक है, रिव्यू पे क्लिक किया,
फिर से हमने सब चीजें चेक कर ली। हाँ मेरी सब चीजें ठीक है। इसके बाद और नीचे जा रहे हैं, सब चीजें ठीक है, डिक्लेरेशन है, पे फी, फी पे जाके फिर से मैं क्या करूंगा, ये सारे टिक कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे जाके क्या पेमेंट गेट पे गए, पेमेंट गेट पे जाके फिर से हमारी वो सब चीजें हो जाएंगी। हम इसको जाके क्यूआर कोड के थ्रू, किस मर्जी के थ्रू हम जाके पे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम मान लेते हैं कि मुझे नया कोर्स, मुझे नया कोर्स के लिए जाना है, इसको पेमेंट करने के बाद मान लेते हैं हमें नए कोर्स के लिए जाना है, तो हम फिर से क्या करेंगे, ये हमारा पूरा हो गया, फिर से हम अपने उसी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करके होम, होम पे क्लिक करके देखो मेरे दो हो गए, अप्लाई नाउ पे गए, प्रोग्राम सिलेक्शन नाउ। अब हमें ये फाइंड करना है कि मुझे कौन से कोर्स करने हैं, क्योंकि बेटा हर एक कोर्स के 400-500 रुपए ले रहे हैं। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा भरने हैं, भरना चाहिए, कॉलेज तो अपनी फीस ले रहा है, चाहे हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इनमें से, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इनमें से कौन से प्रोग्राम हमें फिल करना है। तो बेटा ये हमारे फर्स्ट थिंग है, अगले पॉइंट। तो ऐसे करते करते हम लोग अपने भर सकते हैं। पहले अपने माइंड में लिस्ट बना लो कि मुझे ये सब चीजों को लेके भरना है। कॉलेज तो क्या ही रहा है कि ज्यादा से प्रोग्राम भरो, और मैं भी अब ये कहूंगा आप ज्यादा से प्रोग्राम भरो, सो डेट हमारे चांसेस बने। मैं आपको वोकेशनल कोर्सेज पे जरूर बोलूंगा, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ये सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सस्टेनेबल अर्बनिज्म को जरूर भरना, ठीक है, जिनका बीबीए का इंटरेस्ट है वो जरूर भरना, और ये वोकेशनल स्टडीज, जिनको साइकोलॉजी का इंटरेस्ट है तो वो चाइल्डहुड मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, रिटेल एंड टूरिज्म में कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो बेटा ये हमारा किसके अंदर आ रहा है, ये हमारा सारा आया आपका अंबेडकर यूनिवर्सिटी का।